नमस्कार, मैं हुशवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव SS संधू भी मौजूद रहे। साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण से जुड़े कई अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। किसान अब खुद का चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज खरीद सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से कोल्ड स्टोरेज वैन या रेफ्रिजरेटेड वैन की खरीद पर किसानों को 75% तक सब्सिडी या अधिकतम 19,50,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज वैन या रेफ्रिजरेटेड वैन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ले जाया गया। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो राजू श्रीवास्तव के घर पर उनके अंतिम दर्शन के लिए कई हस्तियां पहुंची, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनकी अंतिम विदाई की गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री के साथ अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया जा रहे हैं। वे 24 सितंबर को वहां पहुंचकर 2 दिन रुकेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ थावे मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। सांगली CID के पुलिस उपाधीक्षक आरिफा मुल्ला थाईलैंड के फुकेत में आयोजित ग्लैमन मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के विजेता बनी हैं। उन्हें इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की उपविजेता भी बनी है। फुकेत थाईलैंड में मिस इंडिया और मिसेज इंडिया प्रेजेंट के लिए पुणे में ऑडिशन आयोजित किए गए थे। बिहार के स्कूलों में जल्द शिक्षक पदों पर बंपर भर्तियां होंगी। राज्य के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 12 तक 2,50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2024 को विधि विभाग की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। शिक्षक बहाली से लेकर शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक पर चर्चा होगी। PFI के खिलाफ केंद्र की अलग अलग एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है। खबर है कि देश के 11 राज्यों में 106 ठिकानों पर दबिश देकर 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्शन की पटकथा 29 अगस्त को हुई केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बैठक में ही लिख दी गई थी। बिहार नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया 2022 को बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा शुरू की जाती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए समय सीमा 26 सितंबर रखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हलचल जिस राज्य में है वह है राजस्थान। इसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरने जा रहे हैं, लेकिन वह राजस्थान के CM की भूमिका को लेकर पसोपेश में है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छात्र हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों ने OPD में इलाज बंद करवा दिया है, जिसके चलते मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठे छात्रों का आरोप है कि बुधवार की रात अस्पताल के टाटावाज में स्थानीय युवकों ने पड़ासना तक छात्रों से मारपीट की, जिसके बाद छात्रों ने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले 10% EWS कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दिनों जोरदार बहस चल रही है। एक तरफ इस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह व्यवस्था संविधान के खिलाफ है। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर हाल ही में खबर आई है कि वह बिग बॉस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि राज, जो पिछले कुछ समय से लाइमलाइट और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनको लेकर खबर आ रही है कि वह सलमान खान के शो बिग बॉस के अपकमिंग सीजन में नजर आएंगे। एक्ट्रेस तापसी पन्नू पिछले कुछ दिनों से कई बार वह मीडिया के सवालों पर भड़क रही हैं। अब हाल ही में तापसी फिर मीडिया से नाराज हो गई हैं, जब उनसे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर सवाल किया गया। इसके बाद जब मीडिया पर्सन ने सवाल किया तो तापसी कहती हैं कि पहले अपना होमवर्क करके आओ, फिर मुझसे सवाल पूछना। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को पोस्ट बैलेट के जरिए मतदान करने के नियम में जल्द बदलाव किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डाल सकेंगे और उनके लिए अलग से मतदाता सुविधा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। हेड स्पीच जहर की तरह होता है, ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। विभिन्न टेलीविजन चैनल पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर नाराजगी कोर्ट की ओर से जताई गई है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद पहुंचकर डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलायसी चीफ इमाम सहित कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। मोहन भागवत के साथ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ताना संबंध तो कभी रहा ही नहीं, लेकिन हाल के दिनों में इमरान खान दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इमरान खान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसमें वे जहां अपने देश के नवाज शरीफ को भ्रष्ट बता रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। अब आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई से कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करने की मंजूरी दे दी है। इससे क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही दुकानदारों की बिक्री में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गावस्कर ने इंडिया टुडे नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि यह टीम मैनेजमेंट के लिए सोचने का विषय है कि आखिर वह उमेश यादव को लेकर क्या सोचते हैं जो रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में नहीं है। दीपक चाहर भी इंजरी से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए। SBI में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इस समय बंपर भर्ती के मौके हैं। बैंक द्वारा किसी भी विषय में स्नातक उम्मीदवारों के लिए 1673 प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज 22 सितंबर को इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमला को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिंता जाहिर की और न्यूयॉर्क में ब्रिटेन के विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बता दें कि अमेरिका में UN की बैठक में भाग लेने गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली से मुलाकात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 सितंबर को हैदराबाद में मैच होना है। इसकी टिकट बिक्री गुरुवार को शुरू होनी थी। टिकट खरीदने के लिए देर रात से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे। कुछ लाइन में बैठे दिखे तो कुछ गेट के पास जमा हो गए। सुबह होते ही भीड़ बढ़ती गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के नहीं मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नामांकन करने के साथ ही CM पद छोड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए फैसला करना पड़ेगा। ऋतिक रोशन ने अल्कोहलिया गाने के लॉन्च इवेंट से अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में सुपरस्टार यह बात करते दिख रहे हैं कि कैसे विक्रम वेधा के साथ यह उनकी 25वीं फिल्म है। उन्होंने कहा कि यह मेरी 25वीं फिल्म है और दर्शकों का प्यार और उत्साह मेरे लिए वास्तव में अहम है। कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने 10 दिनों तक इस मामले में मैराथन सुनवाई की है और अब फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस केस की लगातार सुनवाई की है और इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर छिड़ा संग्राम कोच के दरवाजे जा पहुंचा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही पक्षों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। BMC की तरफ से आए इस फैसले के बाद उद्धव कैंप ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इधर बागी कैंप ने भी एक याचिका दायर की है। दोनों याचिकाओं पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। 24 कैरेट सोना आज 49,654 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर खुला है, जबकि 23 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 49,455 रुपये 5 पर है। वहीं 22 कैरेट 45,483 जबकि 18 कैरेट 37,241 और 14 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 29,048 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसमें GST और ज्वेलर का मुनाफा नहीं जुड़ा है। ताजमहल में बंदरों का आतंक बरकरार है। गुरुवार को पश्चिमी बंगाल से आए एक पर्यटक को बंदर ने काट लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इससे पहले भी बीते सोमवार को एक विदेशी महिला पर्यटक को बंदर ने काट लिया था। 16 दिनों के अंतराल में यह 7वीं घटना है। इससे ताजमहल की छवि खराब हो रही है। पर्यटक आगरा से बुरा अनुभव लेकर जा रहे हैं। गंभीर और जानलेवा रोग कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इस दिन को रोज डे इसलिए कहा गया है क्योंकि कनाडा में रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची मेलिंडा रोज की साल 1974 सितंबर माह में ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई थी। यह दिन मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल RR हरि कुमार की मौजूदगी में गुरुवार को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के
दो डाइविंग सपोर्ट वेसल का जलावतरण किया गया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि DSV अपनी तरफ से पहले पोत हैं और इनका डिजाइन तथा निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने नौसेना के लिए किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुटु रंगेरा, भान प्रकाश मौर्य, के सिन्हा, नुन्नू कुमार, दीपक कुमार, सृष्टि साक्षी, सुमंत यादव और रेवती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या भारत में PFI पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।